नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेल से बाहर आते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में हलचल ला दिया है। इतना ही नहीं, इस बार तेजस्वी यादव ने ताल ठोक कर इस बात का दावा किया है कि वो अपनी लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उन्हें जीत हासिल नहीं होगी। और आज आरजेडी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन का मेन एजेंडा जातीय जनगणना है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ लहजों में ये बात पहले ही कह दी है कि जब तक केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी तब तक उनकी मांग कम नहीं होगी। वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे, उनसे इस बात की मांग करते रहेंगे कि जाति जनगणना कराया जाए। और जब तक ये जनगणना नहीं कराया जाएगा वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। ऐसे में एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। आपको बता दें कि आज के ही दिन यानी कि 7 अगस्त 1990 को ही मंडल को लागू किया गया था संसद में, जिसके तहत पूरे देश में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया गया था। इतना ही नहीं, उस वक्त की अगर हम बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने इसी की राजनीति की थी और अपने पक्ष में उस वक्त की सियासत को किया था। और अब एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं। यही कारण है कि अब एक बार फिर से बिहार की धरती पर वापस आने से पहले ही अपनी तरफ बिहार की जनता को करने चाहते हैं, वो बिहार की राजनीति की हवाओं को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और यही कारण है कि एक बार फिर से जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया है। और इस बार तो साफ लहजों में उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तब तक वो खामोश होने वाले नहीं है। आपको बता दें कि आज आरजेडी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन जोरदार तरीके से होने जा रहा है। इसमें मेन मुद्दा जातीय जनगणना है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक हम पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास नहीं कर सकते हैं। जनगणना होने के बाद ही हमें उनकी संख्या का मालूम होगा और इस जनगणना के बाद ही हम उनके लिए कोई काम कर पाएंगे। ऐसे में अब पूरा राजद परिवार केंद्र सरकार के खिलाफ में खड़ा हो गया है, एक साथ आवाज उठा रहा है। और इस बार तो ऐलान करते हुए कहा गया है कि हम ये लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें जीत हासिल नहीं हो जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।